चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान नामक टीम का नाम रोशन। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया छुट्टी के इंडियन टीम एग्री हो गई है पाकिस्तान वेन्यू पर मैच खेलने के लिए, तो जश्न मनाया जाए। क्या लग रहा है सर, भारत आएगा पाकिस्तान नहीं आएगा? और अगर भारत मना करता है तो आईसीसी का स्टांस क्या होना चाहिए? आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान सिर्फ होस्ट है, याद रखिए। आईसीसी का स्टांस क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए अगर भारत मना करता है, जबकि बाकी 60 टीमें आ रही हैं? नीचे लग जाएगा इंडिया के। नहीं, होना क्या चाहिए? नीचे लग जाएगा। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बताया तो नीचे लग जाएगा, वो तो आप बता रहे हैं ना, होना क्या चाहिए? सुलन तब उनको एग्री करें और बोलो भाई जान आप निकले चले, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन वहाँ पे इंडिया नहीं होगी। टीम जब मैं कहता हूँ पाकिस्तानी फजाई दूत में दाखिल होगी, 17 नु मारो टाकी भेजो उन्होंने इस्तकबाल वास्ते, 16 नु मारो टाकी भेजो इस्तकबाल वास्ते, भाई करो इस्तकबाल क्योंकि लेजेंड्स आ रहे हैं भाई, विराट कोहली लेजेंड आ रहा है भाई, रोहित शर्मा लेजेंड आ रहा है। हमें ख्याली पुलाव पकाते रहो, कोई नहीं आ रहा। अब आगे देखते हैं जी, भारतीय मीडिया इन पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई है वो भी आपको आगे बताता हूँ मैं। ठीक है जी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाए और तमाम मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो पाकिस्तान का दौरा करें, उसमें भारत है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, कोई भी है, सबको आना चाहिए। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, भारत के अलावा सारी टीमें पाकिस्तान आ जाएगी लेकिन भारत नहीं आएगी क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। विराट कोहली आएगा जिसके इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन से ज्यादा पोस्ट है, मतलब सबसे टॉप पे वो बंदा है। जब वो पाकिस्तान में आएगा तो यकीन करेंगे आपकी पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसी दुनिया में जाएगी। पकाओ पकाओ पकाओ, ख्याली पुलाव पकाओ, इसी को कहते हैं मुंगेरी लाल के असीन सपने। और जो 90 की पैदाइश है उनको तो अच्छे से पता चल गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देख रहे हैं आप। क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में, बल्कि हमेशा से, और गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम बात करते हैं बिलखसूस, तो पाकिस्तान ने दुनिया के हर मुल्क में जहां भी आईसीसी का या एसीसी का इवेंट हुआ पाकिस्तान खेलने के लिए गया। पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगा? पाकिस्तान का जो पीसीबी आईसीसी आगे फेंके टुकड़ों पे तो पलता है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना भी खर्चा होता है उसका 60-70% आईसीसी से आता है, और आईसीसी को 80% से ज्यादा रेवेन्यू कौन बना के देता है? बीसीसीआई भारत। तुम तो आईसीसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हो। अबे साले, तुमको आईसीसी हड्डी फेंकता है, तुम तोड़ते हुए भाग जाते हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। यार खुशी तो बहुत हुई है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आ रही, लेकिन जय शाह ने साथ डरा भी दिया कि भाई हम झंडा गाड़ के जाएंगे, हम जीत के जाएंगे यहाँ से। ये तो होगा, ठीक है, ये ना हो कि भाई जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा सही रगड़ के जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान बनाए रगड़वाने के लिए भाई, जिन्ना ने बनवाया रगड़वाने के लिए था। हाँ भाई हाँ। और तुमको जितना रगड़ा जाए उतना कम है। ऐसे नहीं चलेगा, मतलब बाकी साथ एक तरफ, अकेला इंडिया एक तरफ, कि इंडिया क्या पाकिस्तान में आकर खेलेगा? नहीं, वहाँ के प्लेयर भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आके खेलें। चल झूठा। और वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हम बहुत उनको इज्जत देते हैं जब भी प्लेयर्स आते हैं। अच्छा, helicopters were forced to airlift the Sri Lankan cricket team from a stadium in eastern Pakistan following an attack on the team's tour bus that triggered a 15-minute gun battle between the assailants and police guarding the vehicles. magar wahan ki jo political situation hai na wo aap maddenazar rakhein ki wo hamesha rokti hai aane se aur mujhe as a player hum सोचते हैं कि इंडिया आए जरूर। इस फिक्सर सलीम मलिक को थोड़ा बहुत जरूर पता है, अब इसने सही पॉइंट पे आया। अब मैं आपको बताता हूँ असली वजह ये पाकिस्तानियों के खुश होने की। जय शाह ने दे दिया इन पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप, और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े न्यूज पेपर है वहाँ तक में खबर छप गई है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। जबकि इन जाहिलों को ये नहीं पता, जय शाह ने सिर्फ ये कहा कि हमने ये वर्ल्ड कप तो जीत लिया है और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी को भी जीतेंगे इसी टीम के साथ में। इसके अंदर जय शाह ने कब कह दिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आ रही है? भाई टूर्नामेंट होगा, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, टूर्नामेंट होगा जरूर होगा, उसका होस्ट भी पाकिस्तान रहेगा, लेकिन भारत के जो मैच होंगे ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। आई समझ में? चलो, और इस बात की गारंटी आज एक साल पहले मैं ले रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी, एक आम नागरिक, एक छोटा सा बंदा, मैं लेता हूँ गारंटी कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि जय शाह की ना, जय शाह की भी औकात नहीं है कि भारत की टीम को वो पाकिस्तान भेजते। भारत का नेचुरल कंसर्न है सिक्योरिटी, और तुम्हारे यहाँ तो इतने धमाके होते हैं कि आज भी धमाका हुआ है लेटेस्ट। बाजोड़ के इलाके में रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ है, धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह जांबहक हुए हैं, जबकि धमाके में तीन अफराद जांबहक हुए हैं। महीने में कितने धमाके होते हैं पता ही नहीं है। अल्लाह तौबा।
और जो तुम्हारे लीजेंड क्रिकेटर है जावेद मियादाद, वो साहब पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, आप हिंदुस्तान में मलेंगे, इससे अच्छा पाकिस्तान में आके मल जाए। लीजेंड क्रिकेटर है जबकि वो लीजेंड, अब बताओ ऐसा सीनियर क्रिकेटर इतनी हल्की बात करेगा, अच्छा लगता है क्या? और मैं गारंटी लेता हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम बिना पाकिस्तान के भी चल सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट आईसीसी का है, तो भारत इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट भी नहीं कर सकता है, खेलेगा तो सही भारत, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे, चाहे वो मुल्क कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। पता है ना आप सबको, जय शाह की बड़ी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया ने जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के चैंपियन बना, अब वो जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी रेडी है और पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में हरा के इंडिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पाकिस्तानी बड़े पॉजिटिव ले रहे हैं कि इस दफ़ा जो है इंडियन टीम फाइनली पाकिस्तान आएगी और अपने मैचेस जो है लाहौर के अंदर सारे के सारे खेलेगी। एज अ क्रिकेट फैन कितनी एक्साइटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है इसको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या वाकई इंडिया इस दफ़ा आएगा? क्या वाकई ये जो चैंपियनशिप के जो वेन्यू है ये चेंज नहीं होगा? जी मुझे तो लगता है कि इस बार वो ज़रूर आएंगे, पिछली दफ़ा वो 2008 में आए थे और इस बार इंशाल्लाह हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं रोहित शर्मा का और विराट कोहली का कि वो आए और इधर पाकिस्तान में खेलें। कि हिंदुस्तान के तमाम मैचेस लाहौर में होंगे, एक ही वेन्यू पर होंगे, इंडियन फैंस को भी पाकिस्तान हुकूमत आने देगी और इंडिया पाकिस्तान के अंदर ही आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। अभी तो सिर्फ एक जय शाह ने अपनी एम्बिशन की बात की कि ये एक एम्बिशन है उसका एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई कि वो इंडिया को इस टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतता हुआ देखना चाहता है। सो चैंपियंस ट्रॉफी की सिर्फ इतनी सी बात की और शायद पाकिस्तान मीडिया ने इसको सेल्फ एज्यूम करके आज पाकिस्तान के दो बड़े अखबारों में इसकी मेन फ्रंट स्पोर्ट्स पेज की हेडलाइंस छापी गई हैं। जय शाह साहब ने जो स्पीच की आफ्टर टीम इंडिया विक्ट्री इन वर्ल्ड कप फाइनल, उन्होंने बोला कि सीनियर खिलाड़ियों से भरी हुई टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ये अज्यूम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान आकर खेलेगी। दोस्तों के चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान मेजबान है और बहुत से इंडियन फैंस ये समझ रहे हैं कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो कहीं और होंगे, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। पाकिस्तान के बड़े अखबार देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मस्बत इशारे मिल रहे हैं और पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, टीम इंडिया पाकिस्तान आ रही है, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। इंडिया का मीडिया देखें तो वो कह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये इंडिया का मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि आएगी, ये तो तय बात है, पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो 2026 वर्ल्ड कप खेलने भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, जो कि श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान ये कहेगा कि ठीक है, हम भी अपने सारे मैच श्रीलंका खेलते हैं और फिर फाइनल देखते हैं वो कहां का शेड्यूल करते हैं, बट पाकिस्तान फिर इंडिया नहीं आएगा, ये अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने तय कर रखा है। बहुत से इंडियन फैंस सोचते होंगे कि इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह की गिदड़ भगतियां देता रहता है, थ्रेट देता रहता है इस तरह की, बट इसमें होगा नहीं, बिलाकर पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। सच है, इस दफा इंडियन टीम को आईसीसी के रूल्स के मुताबिक हर सूरत में आके पाकिस्तान खेलना पड़ेगा, नो की कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? नहीं, नो की ऑप्शन तो बन सकती है, ये नहीं है कि नो की ऑप्शन नहीं बनी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जय शाह के स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर उसने कहा कि पाकिस्तान में आएंगे और स्पेशली ए स्ट्रेंथ टीम के साथ आएंगे जिसमें आपका पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे हम। चैंपियन ट्रॉफी नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया सफा पाकिस्तान आ जाएगी। देखिए एशिया कप 2023 पाकिस्तान के पास थी, उसके होस्ट के राइट सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करना पड़ा था वो पाकिस्तान टीम को करना पड़ा था, सबसे ज़्यादा डैमेज पाकिस्तान टीम हुई थी। तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि जय शाह ज़रूर अपनी ये टीम को पाकिस्तान भेजेंगे। और देखिए रोहित से क्वेश्चन हुआ था एक दफ़ा, विराट से हुआ था, तो उन्होंने यही आंसर किया था, अगर बीसीसीआई अलाउ करती है तो हम डेफिनेटली पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। और अगर यार विराट और रोहित जैसे प्लेयर पाकिस्तान में हमारी आंखों के सामने खेलते हैं तो इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं होगी जिंदगी की, वहाँ जाके मैं कहता हूँ कि तमाम लेवल रन हो जाएंगे। इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं हो सकता, ये जहालत दिखाएंगे, हम इनको और जलील करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।